हाई एंड वेलकम टू दी हाई प्री सिस्टारो आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है आई होप आप सब खुश हो हेल्दी हो अपना ख्याल रख रहे हो सो लेट एस सी हीयर स्कॉर्पियोज वॉट इज़ कमिंग फॉर यू गाइज दिसंबर फर्स्ट हाफ़ क्या एक्सपेक्टेशन्स आप रख सकते हैं क्या हो सकता है वॉट इज़ गोइंग ऑन हियर स्कॉर्पियोज़ फॉर दिसंबर फर्स्ट हाफ़ स्पिरट ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग है सो so प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना एंड मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिल जाएगा आप वहाँ से जाके देख सकते हैं ओके सो वी हैव द नाइट ऑफ सोर्ड्स एनर्जी नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सींग की आप डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जा रहे हो एंड ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये बहुत ही इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें ज़्यादा लोग जुड़े हुए नहीं हैं इसमें ज़्यादा आप किसी से कुछ डिस्कस नहीं कर रहे हो या इस बारे में आप किसी को भी डिसक्लोज नहीं कर रहे हो ये जो कुछ भी हो रहा है ये आपके अंदर हो रहा है एंड ये काफ़ी मैं कहूँगी खुफिया तरीके से सीक्रेटिव तरीके से आप चीज़ों को प्रोसेस कर रहे हो नाउ आई एम ऑल्सो इन दिस एनर्जी ऑफ आप लाइफ में एक ब्रेक थ्रू चाहते हो एंड इसी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ये ब्रेक थ्रू आएगा आपकी ज़िंदगी में सो यही वो ट्रांसफॉर्मेशन है जिसका शायद आपको काफ़ी समय से इंतज़ार था या यही वो टाइम है यही यही वो ब्रेक थ्रू है जो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा या आपके लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर तक आपको लेके जाएगा ठीक है इस टाइम पे आप काफ़ी सारे ब्लॉकेजेस को क्लियर आउट करेंगे अपने लाइफ में पर्सनल ब्लॉकेजेस हेल्थ ब्लॉकेजेस करियर ब्लॉकेजेस कुछ भी हो चाहे एंड ऑल्सो आप अपने आपके बारे में कुछ रियलाइज़ करेंगे जिस वजह से आपके बिहेवियर में आपके सोचने के स्टाइल में आपके नज़रिए में कुछ बदलाव आ सकते हैं इवन आपके लाइफस्टाइल में आपके um, हर एक डिसीशन में आप जैसे काम करते हो आप जैसे uh, अपना जिंदगी जीते हो उसमें कुछ बदलाव आ सकते हैं ज़्यादा बड़े नहीं तो कुछ छोटे मोटे बदलाव आ सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ दिस रियलाइजेशन ठीक है नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स कैन वी नो स्पिरिट स्कॉर्पियोज फॉर डिसम्बर फर्स्ट हाफ लेट्स सी स द व्हील ऑफ फॉर्चून सी आपके लिए समय डेफिनेटली यहाँ पे चेंज होने वाला है विद डेट व्हील आई एम आई एम आल्सो सीइंग ट्रैवल आ सकता है एंड ये ट्रैवलिंग बहुत ही लाइक अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल प्लान्स आ सकते हैं ठीक है अनएक्सपेक्टेडली आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है काम के वजह से या फैमिली के वजह से किसी भी सिचुएशन uh, में एंड uh, ये कोई लाइक like, uh, आप हो सकता है कि आप कुछ प्लान कर रहे हो लाइक आप घूमने जाना चाहते हो कहीं पे ऐसा भी हो सकता है बिकॉज आई आई डेफिनेटली सी सडनली एज if लाइफ आपको इन चार्ज बना रहा है लाइक like लाइफ ने आपको अभी तक शायद आप पूरी तरीके से अपने लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे पूरी तरीके से आप समझ नहीं पा रहे थे कि आपको कहाँ जाना है क्या करना है क्या सही क्या गलत कौन सही है कौन गलत है बट इस टाइम पे लाइफ आपको बिल्कुल क्लियर एक नज़रिया दिए हैं एंड साथ साथ में आपको ड्राइविंग सीट पे बिठा दिए हैं दैट अब आपका डिसीजन अब आपका नज़रिया ही आपको आगे लेके जाएगा बिकॉज आई सी बहुत सारे मूवमेंट्स हो रहे हैं दिसंबर में एंड हर एक मूवमेंट के साथ आप लाइफ में कुछ गेन कर रहे हो एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो नॉलेज गेन कर रहे हो या आप ग्रो कर रहे हो एज अ इंडिविजुअल आप ग्रो कर रहे हो अपने करियर में आप ग्रो कर रहे हो अपने यू नो लाइफ में ठीक है एंड आई ऑल्सो सी आपका करियर इस समय um, बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजिशन होल्ड करने वाला है आपके लाइफ में या आपके करियर में आप कुछ बहुत बड़े स्टेप्स लेने वाले हो एंड प्रोमोशन uh, या एक जॉब चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो या जो लोग आप किसी नए अपॉर्चुनिटी के खोज में थे ये वो समय है कि वो अपॉर्चुनिटी यस yes, ये वो समय है कि वो अपॉर्चुनिटी फाइनली आपके हाथ लग सकता है ओके okay? and i also feel like isme uh, it's like up अगर आपको बहुत ज़्यादा कंप्लेंट था इस बारे में कि मेरे लाइफ में क्यों कुछ ठीक नहीं होता या स्पेशली आपके करियर में कि मुझे क्यों मेरा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता अपने करियर से मुझे क्यों अपना अप्रिसिएशन नहीं मिलता या मेरा इनकम क्यों ज़्यादा नहीं है मेरा uh, म, मैं इससे ज़्यादा कर सकता हूँ पर मुझे वो अपरचुनिटी नहीं मिला लाइफ में सो आई सी फाइनली इट इज़ द टाइम कि आपको वो अपरचुनिटी मिल रहा है आपको वो ग्रोथ मिल रहा है लाइफ में एंड आपको इस समय काफ़ी सारे हेल्प फुल लोग मिलने वाले हैं या ऐसे लोग जो आपको इंस्पायर करें जो आपके लिए अपने दिल में पॉजिटिव इंटेंशंस रखें एंड काइंड ऑफ आपको वो पुश दे कि आप आगे बढ़ सको ये लोग आपके सीनियर्स हो सकते हैं आपके मैनेजर हो सकते हैं आपके कलीग्स हो सकते हैं टीचर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स एनी ठीक है एंड ऑल्सो लाइफ में आपको किसी जगह पे ऑफ कोर्स एक बैलेंस महसूस होगा करियर में एक बैलेंस महसूस होगा दैट फाइनली आप जितना मेहनत कर रहे हो आपको उसका फल मिल रहा है फ़ाइनली आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको दिखना शुरू कर शुरू हो रहा है एंड ऑल्सो इस टाइम पे एक नया ऑपरचुनिटी का डेफिनेटली आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो एंड ऑल्सो एक्शन ओरिएंटेड रहना बहुत ज़रूरी होगा ठीक है कि आप जो भी कर रहे हो पर आप एक्शन लेने से पीछे नहीं हट रहे हो आप सोच उतना ज़्यादा आप आ, अपने दिमाग में नहीं हो बल्कि आप एक्शन लेके आगे बढ़ रहे हो वॉट एल्स फॉर दिसकॉप योर आई एम सींग दिस पर्सन ओ लाइक यहाँ पे आई डोंट नो आप किसी से डील कर रहे हो कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में है या आने वाले है या uh, ये पर्सन मे बी आपके लाइफ में बहुत बैक एंड फोर्थ करते करते रहते हैं दिस कुड बी अ लीब्रा सैजिटेरियस वर्गो टॉर्स बट ज़रूरी नहीं है कोई भी साइन के हो सकते हैं ये बट आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ या तो आपके लिए कोई रिश्ता आने वाला है या अगर आप शादी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको कोई रिश्ता आ सकता है आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो लाइक सोलमेट इन द सेंस कि फ्यूचर हस्बैंड फ्यूचर वाइफ से आप मिल सकते हो एंड काफ़ी सडनली लाइक मे बी आप कहीं पे जाओ एंड आपको एक इंसान मिले वहाँ पे या आपके फैमिली को मिले आपके फैमिली में भी आपके लिए रिश्ते देख रहे हैं या आपकी शादी की बात हो रही है एंड सडनली आप लोग कहीं घूमने जाओ या किसी पार्टी में जाओ किसी फंक्शन में जाओ किसी और के शादी में जाओ वहाँ पे आपको कोई मिले या आपके फैमिली का लाइक फैमिली को किसी का खोज मिले ऐसा आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो साथ साथ आई एम सीन कि आपके लाइफ में कोई तो ऐसे इंसान है जो इस टाइम पे आपको बहुत 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 ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफर कर सकते हैं या तो इस इंसान के साथ आप ऑलरेडी डील कर रहे हो या तो इस पर्सन के साथ आप एक बैक एंड फोर्थ सिचुएशन में थे या कुछ ना कुछ एक कनेक्शन रह गया था रह गया है मैं कहूँगी क्योंकि दिस इज साम्बरी जो सडनली सामने से आके आपको बहुत कुछ ऑफर कर रहे हैं एंड जिसके वजह से आपको भी ये एहसास हो रहा है कि मुझे फाइनली जस्टिस मिला मैं फ़ाइनली जो इतना सोच रही थी कर रही थी इन्वेस्ट की थी एक कनेक्शन में एक इंसान में मुझे फाइनली जस्टिस मिला इस पर्सन को फाइनली समझ में आया इस पर्सन को फाइनली रियलाइज हुआ या वॉट सो एवर ठीक है सो देर इज़ सम थिंग फॉर श्योर जो अभी भी बाकी है ठीक होना ठीक है जो अभी भी आपको भी पता है आपके पर्सन को भी पता है कि इस कनेक्शन में ये ये अधूरा है लेट्स से ये अधूरा है तो आई एम आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस एनर्जी कि कोई इसी गैप को फिल करने आएगा इसी अधूरापन को कोई पूरा करने आएगा एंड ये जो पूरा करने आएगा इंसान दिस कनेक्शन विल बी वेरी वेरी स्टेबल गाइज वेरी वेरी स्टेबल सो जो लोग किसी नए रिलेशनशिप में जा रहे हो या सोच रहे हो या आप शादी मैनीफेस्ट कर रहे हो एक फ्यूचर पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो ट्रस्ट भी ये बहुत अच्छा समय है वेरी 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 स्टेबल कनेक्शन जो आपके लिए आने वाला है या आपका एग्जिस्टिंग कनेक्शन बहुत ही स्टेबल बनने वाला है ठीक है जो आपने शायद सोचा भी नहीं है अगर ये थर्ड पार्टी है आई एम ऑल्सो सींग कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में है लेकिन फिर भी ये पर्सन आपके लिए कुछ कर रहे है आपके सामने आ रहे है आपके लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं एंड फॉर सम ऑफ यू दिस कूड ऑल्सो बी अ रिकनसिलियेशन एनर्जी लॉन्ग डिस्टेंस है जिन लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस होते हुए भी काफ़ी स्टेबिलिटी आप देख पाएंगे काफ़ी आपको पॉजिटिव uh, एनर्जी महसूस होगा या इस पर्सन की कुछ बातें कुछ बिहेवियर कोई एफर्ट देख के आपको लगे दैट नहीं आप सच में इस पर्सन के साथ फ्यूचर इमेजिन कर सकते हो या ये पर्सन आपके लायक है लेट्स से ओके सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी फॉर यू सो लव आप लव लाइफ़ आपका काफ़ी स्मूथ या बेटर टर्न लेगा दिसंबर में सो so, आप अपना एक्सपेक्टेशन के साथ साथ अपने ऑप्शंस ओपन रख सकते हैं मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं जो कुछ भी आपको चाहिए यूनिवर्स से एक बार मांग लो एंड पॉजिटिव सोच रखिए क्योंकि ये जो टर्न ऑफ इवेंट्स है ये बहुत जल्दी होगा बहुत अनएक्सपेक्टेडली और सरप्राइजिंगली होगा जब आप इसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे तभी ये चीज़ होगा सो ऑल द बेस्ट टू यू गाइस इसको राइट सो दैट इज़ आई हैव फॉर यू। टेक केयर थैंक यू अगर अच्छा लगा तो ऑफ़ कोर्स मुझे बताना लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू हियर। एंड मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय